देवियों और सज्जनों, भारत के राष्ट्रपति इट इज़ माई प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सिक्स ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय द नेहरू वर्किंग संगठन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दीज यूथ हेल फ्रॉम फोर रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स ईच ऑफ बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड. देयर स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स, वॉलंटियर्स एंड यूथ लीडर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस 7-डे प्रोग्राम. द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द ट्राइबल यूथ टू अंडरस्टैंड द कल्चरल इथॉस, लैंग्वेज, लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल. द एम इज ऑल्सो टू सेंसिटाइज द ट्राइबल यूथ अबाउट देयर रिच ट्रेडिशनल कल्चरल हेरिटेज एंड एनेबल देम टू प्रिजर्व इट फॉर फ्यूचर जनरेशन. The emphasis is on to develop emotional linkages with their peer groups in other parts of the country for promotion of national harmony and integration. मेरा नाम हेप्सिबा पॉल है और मैं पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा झारखंड से हूँ और मैं दिल्ली पहली बार आई हूँ. मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ नेहरू युवा केंद्र संगठन को एवं गृह मंत्रालय को जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम लोग सिक्स ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में शामिल हो पाएँ. हम में से सभी लगभग ग्रामीण क्षेत्र से हैं और हमारा जो क्षेत्र है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और हम में से बहुत से ऐसे हैं जो पहली बार ट्रेन में सफ़र किए हैं और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सब आज यहाँ दिल्ली में उपस्थित हैं. हम सिक्स ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में आए हुए हैं और यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी बातों को बताया गया. हमें ट्राइबल्स की जो अधिकार हैं, विशेषकर पेशा एक्ट के बारे में हमें विस्तार से बताया गया और जिन बातों की हमें जानकारी नहीं थी उन बातों को हमें बताया गया. इसके अलावा इसके साथ साथ हमें जीवन कौशल विकास के बारे में भी बताया गया कि किस प्रकार हम आदिवासी अपने जीवन के विकास के लिए हम कार्य कर सकते हैं. आज हमारे क्षेत्र में, हम कहेंगे कि पूरे देश में एक समस्या है, नक्सलवाद, आतंकवाद. ये सब क्या कारण हो सकता है? बेरोजगारी या कि कुछ गलत सोच. मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम आदिवासी भाई बहन लोग जितने भी हैं पूरे देश में, बिल्कुल हम लोग शांति चाहते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि देश में किसी तरह का नुकसान ना हो. और मैं ये क्यों सोचता हूँ, ये इसलिए कि जब जब भी हमारे देश में मुसीबत आई है, हमारे आदिवासी भाई बहनों ने एक दूसरे के साथ कंधे में कंधे मिला करके इस मुसीबत को देश से खदेड़ने का प्रयास किया है. और जब तक आदिवासी भाई बहन इसमें साथ नहीं दिए हैं तब तक ये समस्या दूर हुई ही नहीं है. आज हम लोगों को जब बताया गया कि राष्ट्रपति महोदय हम लोगों के लिए पहले ही द्वार खोल दिए हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ 6 बजे पहुँचना था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चों को 3 बजे ही बुलाया जाए. तो इसके लिए मैं राष्ट्रपति महोदय का बहुत आभारी हूँ और इसको हम सब जिंदगी भर याद रखेंगे. तो जब भी हम लोग यहाँ से वापस जाते हैं, इसको हम लोग सच में राष्ट्रपति जी का मोहब्बत को बांटेंगे. I am indeed happy to have this opportunity to participate in the 6th Tribal Youth Exchange Programs, which is being organized by Nehru Yuva Kendra Sangathan in collaboration with the Ministry of Home Affairs, Government of India. I congratulate NKYS and the Ministry of Home Affairs on designing this youth exchange program, which will help transform these tribal youth from the states of Chhattisgarh, Odisha, Bihar and Jharkhand into ambassadors for propagating the message
of peace, harmony and territorial integrity of this great subcontinent. These many splendored states from where you are coming have long been known to their unique culture and heritage. They have been endowed with a rich biodiversity and an abundance of natural resources such as forest and mineral resources. They have each produced stalwarts in the multifarious fields such as politics, administration, arts, sports, and culture.